आज किसान पटेल यात्रा के पहले चरण का आखिरी दिन है और किसान पटेल यात्रा को जनता द्वारा, किसानों द्वारा, नौजवानों द्वारा, खासकर पटेल समाज द्वारा बहुत अपार समर्थन मिल रहा है और इस समर्थन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी यह पटेल नौजवान यात्रा, किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर निकले हैं, सड़कों पर अपार भीड़ उमड़ रही है। ये संदेश जनता देने का काम कर रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि आप 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस पटेल यात्रा के माध्यम से मिल गया। जहाँ तक किसानों की बात है, नौजवानों की बात है और पटेलों की बात है, पटेलों ने यह ठान लिया है, किसानों ने यह ठान लिया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में जब तक शपथ नहीं दिला देंगे तब तक किसान यात्रा के माध्यम से, पटेल यात्रा के माध्यम से आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी के नेतृत्व में सारा पटेल समाज, किसान सड़कों पर रहेगा। रिस्पांस इतना ज़्यादा है कि मैं द भारत टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि भारत टीवी के माध्यम से जनता को इस यात्रा की सफलता का पूरा पूरा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर इतनी भीड़ उमड़ रही है किसानों की, नौजवानों की, पटेलों की, कि यह एक संदेश है आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि आप 2022 में मुख्यमंत्री निश्चित बनने जा रहे हैं। यह पटेल यात्रा के माध्यम से एक जन संदेश है। किसानों ने 2012 में भी आदरणीय नेताजी हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी किसानों के नेता हैं, किसानों के दुख दर्द हमारे उनके बेटे आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों का दुख दर्द समझते हैं, इसलिए पूरा पटेल समाज, किसान जितने भी हैं संकल्प ले लिया है कि हम 2022 में सारा पटेल समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। यह संकल्प किसानों, पटेलों, नौजवानों ने ले लिया है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, आदरणीय नेताजी को मानने वाले लोग हैं। टिकट मिलना न मिलना ये कोई बात नहीं होती है, हम लोग जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और ये तो टिकट एक होता है और टिकट की कोई बात नहीं। मैं लगातार जब हमको टिकट नहीं मिला था तब जिसको भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया उसको मैं रात दिन लगकर जितवाने का काम किया, लेकिन ये झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार ने झूठे जुमले देकर किसानों को ठगने का काम किया और हमको जीतने के लिए जब मैं जीता था तो निश्चित ही किसानों और नौजवानों ने, पटेलों ने बहुत तगड़ा समर्थन किया था और ये एक संदेश पूरे प्रदेश में गया था कि ऐ झूठ बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठ बोलकर आप सरकार नहीं बना सकते हो, झूठ बोलकर आप जीत नहीं सकते हो, इसलिए जनता ने हमको जिताने का काम किया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, किसानों को ठगती है, नौजवानों को ठगती है, व्यापारियों को ठगती है, इसलिए जनता ने, व्यापारियों ने, किसानों ने, नौजवानों ने हमको जिताने का काम किया था और इसका श्रेय आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जाता है। उनके दिशा निर्देश में आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी ने मेहनत करके चुनाव लड़ाया था और जनता ने हमको फूलपुर से जिताने का। अभी हम लोगों का सिर्फ एक ही संकल्प है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। यही संकल्प है सिर्फ हम लोगों का और किसानों का, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान और पटेल समाज के लोगों ने यह संकल्प लिया है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। यही एक उद्देश्य है।